What's up guys, welcome to the channel. First of all, thank you for the great response for types of COC players part 4. बहुत लोगों को लग रहा था कि वो एक re-upload है, re-upload नहीं है भाई, नए videos बनाए हैं, shoot किए हैं team के साथ, because lockdown यहाँ पे मतलब situation ऐसी है कि ज़्यादा लोगों को लेके society में shoot नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी किया है. और कमेंट सेक्शन में काफी लोग मुझे बोल रहे थे कि क्लैश रॉयल की वीडियोस भी बनाओ. तो गाइज मोटर टाइम का एक चैलेंज चल रहा है, ठीक है, वो मैं खेलूंगा. और मेरे पास यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो पास रॉयल नहीं है, जो क्लैश ऑफ क्लैंस में जैसे गोल्ड पास होता है वैसे सीआर में पास रॉयल होता है, वो मेरे पास नहीं है. तो मैं अटेम्प्ट करूंगा. और दिक्कत की बात यह है कि मैं 2 losses ऑलरेडी कर चुका हूँ. एक बार भी अगर गलती से हार जाता हूँ तो आउट हो जाऊंगा, फिर से मैं जेम्स डाल के खेल नहीं पाऊंगा. और मैं खेलता हूँ तो जेम्स डाल के कभी नहीं खेलता हूँ. एक ही इसमें मैं पार करने की कोशिश करूंगा, मतलब लेवल 6 matches हो गए जैसे कि देख सकते हो, 2 losses. और यार दिक्कत यहाँ पे ऐसी हो रही है, ओह शिट. तो शुरुआत में ही मेरा थोड़ा लैग हो गया और आई डोंट नो यार, अभी एक अगर लॉस होता है तो निकल जाऊंगा. बहुत मुझे ध्यान से खेलना पड़ेगा. लेकिन एक चीज मेरे एडवांटेज में मुझे दिख रही है, वो है कि इसके जो कार्ड के लेवल्स है वो काफ़ी कम है मुझसे. और अभी मुझे जैसे कि पता है, ठीक है, इसने साइकिल कर दिया है, ठीक है, और इसने ऑलरेडी हम लोग बोल सकते हैं इन्फर्नो टावर को यूज़ कर लिया. तो ये मोर्टार अभी हम लोग निकाल सकते हैं. इसके सेंटर में एक बड़ा मोर्टार है, ठीक है, और हमको बस जो मोर्टार को पहले निकालता है उसको एक चांस मिलता है कि एडवांटेज मतलब कह सकते हो. तो अभी मोटर को तो हमने निकाल लिया था, लेकिन ओ तेरी. ओके, मैंने बैट को बराबर टाइम पे प्लेस किया क्योंकि मुझे पता था बैट को अगर मैं पहले खेलूंगा तो बैट टैंक करेगा, ठीक है, इन्फर्नो टावर को. और यहाँ पे हमको काफ़ी डैमेज लीड मिल गई. इनिशियली लैग हो गया था हमारा, लेकिन लैग से निकल के अभी हमने काफ़ी डैमेज ले लिया. ऑलमोस्ट 1000 HP पे बच गया है उसका टावर अभी. और यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं थी इन्फर्नो ड्रैगन खेलने की, लेकिन फिर भी मैंने खेल दिया. लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि मेरा इन्फर्नो ड्रैगन, ठीक है, मोर्टार को निकाल लेगा, तो ये जो धीरे धीरे डैमेज होता था वो नहीं होगा. और अभी हम लोग एक तरीके से थोड़ा सा हल्का सा लीड में है. फायर क्रैकर ने थोड़ा डैमेज दे दिया टेस्ला को. अभी यहाँ पे वो इन्फर्नो टावर कभी भी खेल सकता है, तो मैं पेक्का को खेलूँगा. मतलब जैसे ही मोर्टार आता है इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम लोग फटाफट कोई ना कोई कार्ड खेलें. अरे क्या हो गया, इसने गिव अप कर दिया क्या? वो शायद इसने जॉब कर दिया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम लोग वैसे मतलब रिस्क में खेल रहे थे. और ये हम लोग टावर निकाल लेंगे, थोड़ा जैप कर दूंगा, रीसेट कर दूंगा, और इन्फर्नो ड्रैगन ही निकाल लेगा टावर को. ओके, 3 crown victory यहाँ पे, ठीक है. जैसे कि देख सकते हो आप लोग, शुरुआत में मुझे बहुत मतलब लैग हो गया था थोड़ा, मैं खेल नहीं पाया. लेकिन चलो और 2 matches है और एक भी बार हमको हारना नहीं है, ये चैलेंज कंप्लीट करना है. बिकॉज यार सबके सामने से खेल रहा हूँ, बहुत दिनों बाद क्लैश रॉयल वापस इतने वीडियोस बना रहा हूँ, तो अगर विक्ट्रीज करते हैं तो हम लोग ये चैलेंज जीत जाएंगे. तो जैसे ही मोटर दिखता है मैं फटाफट अपने पैक का एक टैंक किलर रखा है मैंने, जो है अपना मिनी पैक का. और क्या हो गया, इसका लैग हो गया था क्या? इसने अभी थोड़ा लेट खेला. और भाई ये फायर क्रैकर बहुत दिक्कत देता है, तो मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लूँगा. जैसे ही मुझे फायर क्रैकर दिखता है मैं फटाफट ये खेल ही देता हूँ एरोज, इसलिए मैंने एरोज रखा है. और फिर यहाँ पे टावर को निकाल, ओह मुझे लगा ऑलमोस्ट टावर डाउन कर देगा मिनी पैक का, बट वैसा हुआ नहीं. अभी बैंडिट के डैश से बचने के लिए मैं पीछे से खेलूँगा फायर क्रैकर, और देखते हैं अभी इसके पास क्या कार्ड्स हैं. लेकिन इनिशियली इतना डैमेज मिल गया तो कुछ दिक्कत नहीं है. ओ, इसने लाइटनिंग स्पेल यहाँ पे खेलने की कोई ज़रूरत नहीं थी उसने, बट लाइटनिंग स्पेल खेला है. और यहाँ पे जैप कर दूंगा मैं स्केलेटन्स को. और अगर पेक्का का एक कनेक्शन भी मिल जाता अच्छा होता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, पेक्का का कनेक्शन नहीं मिला. लेकिन हम लोग अभी काफ़ी डैमेज लीड में हैं. और ओ तेरी, अभी मेरे पास एलिक्सर नहीं है इतना कि मैं प्रिंस को रोक पाऊँ. तो ओ तेरी शिट, ओके, एलिक्सर नहीं था, प्रिंस ने काफ़ी डैमेज दे दिया. लेकिन यहाँ पे हम लोग जीत जाएंगे बिकॉज इन्फर्नो ड्रैगन भी लॉक्ड आउट है और मिनी पैक का भी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है. और ओके ओके ओके, फायर क्रैकर जैसे ही दिखता है, मेरे पास अभी एरोज नहीं है साइकिल में, तो लेकिन डैमेज लीड में हम लोग डेफिनेटली आते जा रहे हैं.
और मैं यहाँ पे ओके इसमें प्रिंस को खेल दिया आगे से, डार्क प्रिंस को खेल दिया, सॉरी प्रिंस नहीं डार्क प्रिंस। लेकिन हम लोग डैमेज लीड में है काफी, और ओ तेरी यहाँ पे जैसे देख सकते हो एक टैंक किलर कहते हैं ना कि या तो इन्फर्नो टावर आपको इस चैलेंज में कंपलसरी रखना है या फिर आपको इन्फर्नो ड्रैगन तो रखना ही है, बिकॉज ये मोर्टर अगर एक बार बड़ा वाला मोर्टर जो है उसका रेंज भी काफ़ी है, जैसे छोटा मोर्टर होता है इसमें कार्ड, वो तेरी इसने गॉब्लिन जायंट को खेला लेकिन गॉब्लिन जायंट उधर कैसे मेल्ट हो गया। एंड यहाँ पे मैंने प्रेडिक्ट नहीं किया था एरोस को, मतलब वो क्या प्ले करेगा, बट डेफिनेटली राइट टाइम पे मैंने प्ले किया। एंड ये क्या हम लोग 3 crown विक्ट्री स्कोर कर सकते हैं? ओके इसने पीछे से इसको खेला है हमारे विजर्ड को, तो देखते हैं क्या होता है। ये मोर्टार भी हम लोग निकालेंगे बट अभी ये विजर्ड दिक्कत क्रिएट करेगा मुझे पता है, तो मेगा नाइट को हम लोग पीछे की तरफ खेलेंगे, विजर्ड को निकाल लेगा। और क्या हम लोग 3 crown कर सकते हैं? 3 crown थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, बट गॉब्लिन जायंट को तो कोई चांस ही नहीं है भाई यहाँ पे। हम लोग जिस तरीके से खेल रहे हैं गॉब्लिन जायंट को कुछ भी चांस नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे गार्ड्स खेलूँगा जो फायर क्रैकर को उसके निकाल लेंगे। 3 crown होना तो मुश्किल है लेकिन 2 crown विक्ट्री, और इसके पास लाइटनिंग स्पेल थी, इसने टूवर्ड्स द एंड खेला हो। ओके तो हम लोग लास्ट मैच की तरफ आ गए। अगर ये भी मैच में जीत जाता हूँ तो हम लोग चैलेंज कंप्लीट कर देंगे, और होपफुली जिस तरीके से आज मैं खेल रहा हूँ तो हमें हारना नहीं है जीतना ही है। ओके तो मोटर दिखते ही मैं पहले अपने मिनी पक्का को खेल दूंगा, जो भी मेरे पास कार्ड साइकिल में था मैंने खेल दिया, और ये इंटरेक्शन तो हम लोग जीत जाएंगे बिकॉज इन्फर्नो ड्रैगन है, बस उसके पास जैप नहीं होना चाहिए था। ओ तेरी यहाँ पे उसके पास स्केलेटन आर्मी है, वो एक दिक्कत क्रिएट कर सकता है, लेकिन चलो फर्स्ट राउंड तो हम लोग मोटर का हमारे पास आया और काफ़ी डैमेज वैसे मिल रहा है, और कार्ड लेवल्स भी यहाँ पे मैटर कर रहे हैं। जैसे आप लोग देख सकते हो वो एग्जीक्यूशनर को बस एक मोटर के हिट ने निकाल लिया, अगर मेरे पास मोटर का वहाँ पे रेंज नहीं होता तो दिक्कत हो जाती। जैसे ही मोटर दिखता है कोई ना कोई टैंक किलर खेलो या फिर इन्फर्नो टावर इन्फर्नो ड्रैगन। इसने जैप इतना लेट क्यों किया मुझे पता नहीं, बट हम लोग काफ़ी डैमेज तो ले लेंगे, और इसने हमारे नाइट को बहुत आगे खेल दिया, तो आई डोंट थिंक सो उसे एक भी ओके एक हिट मिल गया मोटर पे, और हम लोग काफ़ी एडवांटेज में है अभी। और उसने स्केलेटन आर्मी को खेल दिया तो मेरे को पता है अभी इसके पास यहाँ पे कुछ नहीं होगा, और इन्फर्नो ड्रैगन के मतलब कुछ आंसर नहीं उसके पास। उसके पास जैप है लेकिन यहाँ पे वो जब तक दूसरा ट्रूप नहीं खेलता कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा हमको। वो तेरी मेरे ख्याल से शायद इसने गिव अप कर दिया, और अभी मैं ओके गिव अप नहीं किया यार, कभी कभी लगता है प्लेयर्स ना ट्रिक कर जाते हैं, लेकिन बैट्स ने यार कितना डैमेज कर दिया है यहाँ पे। प्लेयर्स कभी कभार ट्रिक करते हैं इस गेम में, जैसे वो बता देंगे कि चलो तुम लोग जीत गए मैच, ऐसा दिखा देंगे कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, बट वैसा नहीं होता है, वो प्लेयर एक्टिव ही रहता है, बस खेल लेता है और बाद में दिक्कत हो जाती है, तो हम लोग कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस में आके कुछ खेलते नहीं है, फिर तभी प्रॉब्लम होता है। ओके मेरे पास अभी एलिक्सर नहीं है, तो ये तो हमारा भाई आगे वाला बंदा ही जीतेगा, तो हम लोग इसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो तेरी यहाँ से जो पेक्का आ रहा है इसका कुछ करना पड़ेगा, उसका पेक्का का लेवल बहुत कम था इसलिए वो जीत नहीं पाया वो इंटरेक्शन। लेकिन चलो मोटर मुझे नहीं लगता ज़्यादा हमको फ़र्क पड़ेगा, मोटर के 2-3 हिट्स पड़ गए हमारे प्रिंसेस टावर पे, लेकिन अभी भाई अभी यहाँ से हम लोग 3 crown विक्ट्री के लिए देखेंगे। मुझे पता था यहाँ से वो ज़्यादा कुछ खेलेगा नहीं, तो चलो देखते हैं किस तरीके से मैच जाता है। और मोटर का एक हिट तो मिल जाएगा हमें, प्रिंसेस टावर डाउन हो जाएगा हमारे अपोनेंट का, बस हमको अभी मेगा नाइट को मैंने यहाँ पे प्लेस किया लेकिन उसने जैप कर दिया। तो मुझे तो ये लगता है 3 crown विक्ट्री हो पाएगा, लेकिन स्केलेटन आर्मी के साथ खेल रहा है बार बार, और मेरे पास यहाँ पे जैप है लेकिन मिनी पेक्का का डैमेज बहुत हाई होता है, तो ये भी इंटरेक्शन हम लोग ही जीतेंगे। ओके लेकिन 3 crown विक्ट्री नहीं हो पाई यहाँ पे, मैं नाइट को मेगा नाइट को खेलूंगा। एंड दैट्स इट गाइस, हम लोग हमारे इमोट्स फ्लेक्स करेंगे, ताकि भाई मुझे पता है ये हमारे नाइट विच का इमोट। ओके गाइस तो इस तरीके से हमने चैलेंज कंप्लीट कर लिया है। ओके हमको एक लेजेंडरी कार्ड मिल गया, और देखते क्या आता है इसमें, मुझे मेगा नेक चाहिए था ओके, लेकिन नंबर जैक मिल गया।
चलो कोई बात नहीं। सो गाइस दैट्स इट, यही था आज का वीडियो और ये चैलेंज मोटर टाइम का, और मैंने सोचा चलो इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो गाइस आपको ये क्लैश रॉयल का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी सीआर प्लेयर्स के साथ, और हम लोग मिलेंगे आगे के वीडियो में जो भी रहेगा, एक तो क्लैश ऑफ क्लैंस या तो सीआर। तब तक बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे एट होम, बी सेफ एंड बाय।